भजन संहिता अध्याय 42। भजन संहिता अध्याय 42। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ। जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिर जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हेरमोन के पहाड़ों और मिस्कार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरे सारे तारांगनों और लहरों में मैं डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, जो अपने जीवनदाता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर जो मेरी चट्टान है उससे कहूंगा कि तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छिद जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा।